एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम देखेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है और उसमें आपको क्या रिलीफ मिल सकता है। इंडियन सोसाइटी में आज के टाइम पे भी महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार होता है और उससे बचाव के लिए भारत में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पास किया गया। इसके अंदर कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, इसके अंदर कोई भी महिला जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहती है किसी के साथ, अपना घर शेयर करती है, वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। इसमें आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर वो आपके ऊपर अत्याचार करते हैं, या उनके परिवार वाले अगर अत्याचार करते हैं, चाहे वो कोई महिला ही क्यों ना हो, उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। अगर आप काफ़ी समय से किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं और सोसाइटी में एज अ हस्बैंड और वाइफ आप दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते रहे हैं तो भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने पिता, भाई, माँ, किसी के साथ भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं, घर साथ में शेयर करते हैं और वहाँ पर आपको कोई अत्याचार किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो आप उनके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं? आप कंप्लेंट वहाँ फाइल कर सकते हैं जहाँ पर आप रहती हैं या जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हुई है या जहाँ पर रिस्पोंडेंट रहते हैं, जहाँ पर आपको परेशान किया गया था वो इंसान जहाँ रहता है, आप वहाँ भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप किसके पास कंप्लेंट फाइल करेंगे? आप उसी ज्यूरिसडिक्शन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं जहाँ पर घटना घटी थी या जहाँ पर आपको परेशान करने वाला इंसान रहता है, रिस्पोंडेंट रहता है, या जहाँ आप रहते हैं उसके नज़दीकी थाने में जाकर आप कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपनी कंप्लेंट दे सकती हैं, या फिर आप मजिस्ट्रेट के पास भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं उसी ज्यूरिसडिक्शन के। कंप्लेंट फाइल करने के बाद आपको इस में क्या रिलीफ मिल सकती है? इसमें आपको प्रोटेक्शन रिलीफ मिल सकता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर मिल सकता है, जिसमें रिस्पोंडेंट को आपसे दूर रहने का ऑर्डर दिया जा सकता है या उनको बोला जा सकता है कि आप जिस घर में रहती हैं वो उनकी एंट्री वहाँ पर बंद की जा सकती है, या आप अगर कहीं काम करती हैं तो उसके आसपास आने से उनको रोका जा सकता है। तो मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर्स दे सकता है कि वो आपसे दूर रहें, आपको परेशान ना करें, आपसे कॉन्टैक्ट ना रखें। इसके अलावा अगर कोई बच्चा है तो उसकी कस्टडी के ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं कि उसकी कस्टडी आपको दी जा सकती है। अगर आपके हस्बैंड के पास कोई विजिटेशन राइट्स है और आपको लगता है कि आपके बच्चे का उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तो मजिस्ट्रेट देखने के बाद अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग उनके विजिटेशन राइट्स भी कैंसिल कर सकता है। आपको मॉनेटरी रिलीफ भी दी जा सकती है और अगर आपको कोई इकोनॉमिकल लॉस हुआ है तो वो लॉस भी आपका रिकवर करवाया जा सकता है। अगर आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो आपको मेंटेनेंस भी दी जा सकती है। इसमें कौन कौन से किस तरीके के अत्याचारों को कवर किया गया, आपके साथ क्या हुआ है तो आपको इसमें कंप्लेंट कर सकती है। इसमें फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो सिर्फ तभी आप कंप्लेंट नहीं कर सकती हैं, अगर आपके साथ कोई सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं, आपका इकोनॉमिकल लॉस अगर हुआ है तो भी आप कंप्लेंट कर सकती हैं, और अगर आपको कोई इमोशनली परेशान करता है तो उसके अगेंस्ट भी आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर कंप्लेंट कर सकती हैं।